धर्म शिक्षा का अभाव हिंदुओं के नाश का प्रधान कारण है। हिंदुओं के 5 लाख मंदिर मुसलमानों ने फोड़ दिए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सुदूर ताइवान तक के भारत माता है, ये खत्म हो गया, भारत से टूट गया। इसका प्रधान कारण ही धर्म का ज्ञान न होना है, और इसके जिम्मेदार हमारे स्कूल, ये मैकॉली की सड़ी हुई शिक्षा पद्धति जो अभी चालू है, स्कूलें, कॉलेज, घर और मंदिर, ये चारों क्षेत्र कारण है धर्म ज्ञान न होने का। स्कूलों से भी नहीं है, कॉलेजों से भी नहीं है, घर से भी नहीं और मंदिरों से भी नहीं है। तो जिस क्षेत्र से धर्म ज्ञान देना चालू कर सकते हैं उस क्षेत्र से चालू कर देना चाहिए, और स्कूलों से कॉलेजों से धर्म ज्ञान राजा ही चालू कर सकता है। जैसे भगवद गीता लागू कर दी मध्य प्रदेश वालों ने, मध्य प्रदेश शासन ने, तो धीरे धीरे सिर्फ भगवद गीता अथवा सिर्फ रामायण अथवा सिर्फ महाभारत इतने ही धर्म ग्रंथ नहीं है। रामायण महाभारत तो इतिहास ग्रंथ है, वेद उपनिषद ये सारी चीजें स्कूल में डालनी चाहिए। लस्सावी मसावी छुड़ा के क्या फायदा हो गया भैया, कोई अमीर बनता है क्या लस्सावी मसावी से? सड़ा हुआ बीजगणित करने से कौन अमीर हो रहा है? हमारे स्कूलों से पैसा कमाना भी नहीं सिखाया जाता है। खोटा इतिहास सिखाए जा रहे हैं कि मुगल महान थे, काय के महान थे जिन्होंने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए, काय के महान, झूठे इतिहास, फालतू के खोटे पाठ सिखाए जा रहे हैं स्कूलों से, मैकॉले की शिक्षा पद्धति से। ना ये स्कूलों से अमीर बनना सिखाया जा रहा है, ना मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान सिखाया जा रहा है, ना काय विज्ञान सिखाया जा रहा है। सिखाते क्या है? क्लर्क बनाने वाली विद्याएं सिखाई जा रही है जिसमें से नौकर छपेंगे,